हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी में सेरीकल्चर या फिर सिल्क फार्मिंग की डिटेल में स्टडी करेंगे एंड स्टेटस ऑफ सेरीकल्चर इन इंडिया एंड कॉमन डिजीजेस ऑफ सिल्क मॉथ और सिल्क वॉर्म, हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड हमने सेरीकल्चर के फर्स्ट पार्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है सिल्क मॉथ के बारे में या फिर सिल्क वॉर्म के बारे में एंड सिल्क मॉथ का पूरा इंट्रोडक्शन एंड किस तरीके से इसमें डिफरेंट स्पीसीज होती हैं सिल्क मॉथ की जो सिल्क को प्रोड्यूस करती हैं, हमने इनके बारे में डिस्कस किया। एंड जिसमें से बॉम्बाइक्स मॉरी, जिसका कॉमन नेम है मलबेरी सिल्क वॉर्म या फिर चाइनीज सिल्क वॉर्म, हमने इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, इनका मॉर्फोलॉजी एंड इनका लाइफ हिस्ट्री मीन्स इनकी लाइफ साइकिल, हमने इसे डिटेल में स्टडी किया। एंड अगर आपको सेरीकल्चर का फर्स्ट पार्ट वीडियो स्टडी करना हो तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इजली इन सभी टॉपिक के बारे में स्टडी कर सकते हैं। एंड अगर आपको प्रॉन कल्चर या फिर पीसी कल्चर या फिर एपी कल्चर के बारे में स्टडी करना हो तो आपको इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इजली इन सभी टॉपिक्स बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सेरीकल्चर या फिर सिल्क फार्मिंग आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप सेरीकल्चर में सिल्क मॉथ या फिर सिल्क वॉर्म इंसेक्ट के बारे में इसकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। तो आप पहले इसको फर्स्ट पार्ट सेरीकल्चर का देखिए एंड इसके बाद आप सेकंड पार्ट देखिए, जिससे आपको इजली समझ में आएगा। दी प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम दी सिल्क वॉर्म बाई मैनेज्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस ऑन लार्ज कॉमर्शियल लेवल इज नोन एज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मीन, जैसे कि हम यह जानते हैं कि जो इंसेक्ट होता है सिल्क मॉथ या फिर सिल्क वॉर्म, इससे हमें सिल्क मिलते हैं। मीन्स सिल्क मॉथ या फिर सिल्क वॉर्म इंसेक्ट से सिल्क मिलते हैं एंड हम सिल्क का यूज करते हैं सिल्क से क्लॉथ बनाने में। मीन्स हम सिल्क का यूज करते हैं बहुत सारे कपड़े बनाने में। डैट्स मीन जो इंसेक्ट होता है सिल्क वॉर्म, जिससे हमें सिल्क मिलता है, अगर हम इनका रियरिंग करें मीन्स इनका हम टेक केयर करें मीन्स इनका हम देखभाल करें मैनेज तरीके से मीन्स साइंटिफिक तरीके से, अगर हम सिल्क मॉथ या फिर सिल्क वॉर्म इंसेक्ट की रियरिंग करते हैं, उनकी हस्बेंड्री करते हैं फॉर कॉमर्शियल लेवल, मीन्स हम इनका जो सिल्क होता है सिल्क का बिजनेस करते हैं कॉमर्शियल लेवल पर, मीन्स हम जो सिल्क होता है सिल्क का यूज हम करते हैं बिजनेस के लिए, मीन्स जितना ज़्यादा हमको सिल्क मिलता है हम इसको सेल करते हैं ऐसा थ्रेड के रूप में, या फिर हम इसके कपड़े बनाकर इसका यूज करते हैं सेल करते हैं एंड जिससे कि हम बहुत सारा इससे प्रॉफिट लेते हैं। डैट्स मीन सेरीकल्चर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सिल्क वॉर्म या फिर सिल्क मॉथ इंसेक्ट की साइंटिफिक तरीके से उनका रियरिंग करते हैं, उनका देखभाल करते हैं एंड उससे हमें सिल्क मिलता है एंड सिल्क को हम सेल करते हैं फॉर कमर्शियल लेवल एंड जिसको बोलते हैं सेरीकल्चर या फिर जिसको हम सिल्क फार्मिंग भी बोलते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि सिल्क किस तरीके से बनता है, मीन्स सिल्क किस तरीके से बनेगा, इसका डिस्कवरी चाइना में किया गया था एंड चाइना लोगों ने इसको बहुत दिन तक इसको सीक्रेटली इस पर वर्क किया एंड इससे बहुत सारा कॉमर्शियल लेवल पर इसे बहुत सारा प्रॉफिट लिए। जैसे कि ये किंग या फिर क्वीन को या फिर ट्रेडर्स को सिल्क के कपड़े को सेल करते थे या फिर उसका ट्रेड सेल करते थे एंड इससे बहुत प्रॉफिट लेते थे, बट ये दूसरे कंट्री में इसको नहीं बताना चाहते थे क्योंकि ये इससे बहुत इससे अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते थे, इसलिए दूसरे कंट्री को नहीं बताना चाहते थे। एंड चाइना में जो लोग सिल्क का काम करते थे या सिल्क से बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल लेवल पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते थे, इसलिए दूसरे कंट्री में यह सीक्रेट नहीं बताना चाहते थे कि एंड किस तरीके से सिल्क वॉर्म इंसेक्ट से सिल्क का फॉर्मेशन होता है। चाइना के एक मॉन्ग थे जो दूसरे कंट्री में गए और वहाँ पर बताए एंड इससे बहुत सारे कंट्री को पता चला कि किस तरीके से सिल्क का फॉर्मेशन होता है सिल्क वॉर्म से। एंड तब से और सभी कंट्री में भी यहाँ पर सिल्क वॉर्म से सिल्क का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, जिसको बोलते हैं सेरीकल्चर। दी सेरीकल्चर इज़ वेरी कॉमन इन चाइना, जापान, कोरिया, ब्राज़ील, रसिया, इटली, फ्रांस, इंडिया एक्सेट्रा। मीन्स सेरीकल्चर की प्रैक्टिस चाइना में बहुत कॉमन है, जापान में, कोरिया में, ब्राज़ील में एंड रसिया में एंड इटली में एंड फ्रांस में एंड हमारे इंडिया में भी सेरीकल्चर की प्रैक्टिस होती है। एमंग इंडिया इट इज़ वेरी कॉमन इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ सब पर भी
मीन्स इंडिया में यहाँ सब प्लेस पर बहुत कॉमन है सेरीकल्चर की प्रैक्टिस करना। दी सेरीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑन लार्ज कॉमर्शियल स्केल मस्ट बी इंक्लूडेड फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। मीन्स अगर हम सेरीकल्चर की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जो करते हैं सेरीकल्चर की प्रैक्टिस, तो उसमें बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर सेरीकल्चर की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट स्टेप या फिर फर्स्ट इवेंट डैट इज कल्टिवेशन ऑफ मलबेरी प्लांट्स। मीन्स जो इसमें बम्बॉइक्स मोरी के जो स्पीसीज होते हैं, इंडिया में बम्बॉइक्स मोरी मीन्स जिनका कॉमन नेम है मलबेरी सिल्क वॉर्म या फिर चाइनीज सिल्क वॉर्म में जिनका हम यूज करते हैं सिल्क का फॉर्मेशन करने के लिए, एंड या मलबेरी प्लांट्स मीन्स या सैतूत के जो लीव्स होते हैं उनको ईट करते हैं। तो अगर हम सेरीकल्चर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम पहले इसका अरेंजमेंट करें कि इनका जो फूड आइटम है मीन्स इनका जो फूड आइटम है मलबेरी प्लांट्स का जो लीफ है हम उनका अरेंजमेंट कर पाएँ जिससे कि हम सेरीकल्चर की प्रैक्टिस कर पाएँ। देयर आर मोर देन 125 स्पीसीज ऑफ मलबेरी प्लांट्स अवेलेबल इन इंडिया, आउट ऑफ विच मोरस अल्बा मोरस इंडिका इज बेस्ट फॉर बम्बाइक्स मोरी मलबेरी सिल्क वॉर्म। कल्टिवेशन इंक्लूड्स प्लांटेशन कटिंग प्रूनिंग इरीगेशन फर्टिलाइजेशन। डैट्स मीन हमारे इंडिया में हमारे भारत देश में मलबेरी प्लांट्स डैट इज सैतूत मीन्स सैतूत का जो पौधा होता है उसका प्लांट हमारे इंडिया में 125 स्पीसीज से ज़्यादा भी उनका स्पीसीज है मलबेरी प्लांट्स का, एंड 125 स्पीसीज में से मोरस अल्बा एंड मोरस इंडिका ऐसे मलबेरी प्लांट्स की स्पीसीज हैं जो कि बम्बाइक्स मोरी या फिर मलबेरी सिल्क वॉर्म या फिर जिसका कॉमन नेम है चाइनीज सिल्क वॉर्म उनके लिए बेस्ट है। एंड इनका हम कल्टीवेशन करते हैं मीन्स इनकी हम खेती करते हैं मलबेरी प्लांट्स का, एंड इनका प्लांटेशन करते हैं मीन्स इनको लगाते हैं, एंड इनको कटिंग करते हैं मीन्स कटिंग मीन्स इनके जो लीव्स होती हैं हम इनको समय समय पर कट करते रहते हैं जिससे कि इसमें न्यू लीव्स आती रहें, एंड जितनी अच्छी लीव्स रहेगी जितनी न्यू लीव्स रहेगी उतना ही अच्छा यहाँ पर हमें सिल्क का प्रोडक्शन होगा। मीन्स जो इसमें बम्बाइक्स मोरी हैं जितना अच्छा ये लीव्स को ईट करेंगे उतना अच्छा ही हमें यहाँ पर सिल्क इससे मिलेंगे। एंड प्रूनिंग प्रूनिंग मीन्स छटाई करना मीन्स जो लीव्स हैं उसमें हमें कट करके मीन्स उनको हम जो अच्छी अच्छी लीव्स होती हैं हम उनको ग्रो करने देते हैं। एंड इरीगेशन इरीगेशन मीन्स उनकी हम सिंचाई करते हैं, एंड फर्टिलाइजेशन का यूज करके हम अच्छी तरीके से मलबेरी का जो प्लांट्स होता है हम इनका ग्रो करते हैं। ये था इसमें फर्स्ट स्टेप ऑफ सेरीकल्चर प्रैक्टिस। मीन्स अगर हमें यहाँ पर सेरीकल्चर करना है उसकी प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो हमारे सिल्क मॉथ है या फिर सिल्क वॉर्म है जो ये मलबेरी प्लांट्स को ईट करते हैं मलबेरी प्लांट्स के जो लीफ को ईट करते हैं हम उनका अरेंजमेंट किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट सेकंड स्टेप और सेकंड इवेंट हमें क्या रिक्वायरमेंट होगा सेरीकल्चर की प्रैक्टिस करने के लिए। कलेक्शन ऑफ एसेसरीज रिक्वायर्ड फॉर कल्चर मीन्स हमें ऐसे बहुत सारे थिंग्स बहुत सारी ऐसे वस्तुएँ सामान चाहिए होगा जिसमें जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर सेरीकल्चर की प्रैक्टिस करेंगे। दीज आर इसमें फर्स्ट एसेसरीज है डेट इज़ रियरिंग ट्रे। दीज आर मेड बाई बम्बू एंड यूज फॉर कीपिंग लेट एग्स एलॉन्ग विथ चॉप्ड मलबेरी लीव्स। मीन्स रियरिंग ट्रे होता है या बम्बू से बना होगा मीन्स या बांस से बना होगा, एंड हम इसका यूज करते हैं मीन्स जिसमें सिल्क मौत के जो एग्स होते हैं हम उनको इसमें रखते हैं उनको हम कीप करते हैं, एंड इसमें जब हम एग को रखते हैं साथ साथ में उस रियरिंग ट्रे में हम मलबेरी लीव्स मीन्स शहतूत की पत्तियों को हम चॉप्ड करके मीन्स उसको छोटा छोटा कट करके हम उस ट्रे पर मलबेरी लीव्स को बिछाते हैं, इस पर हम उसको सिल्क मौत के एग्स को इस पर हम रखते हैं इस रियरिंग ट्रे पर। नेक्स्ट एसेसरी डेट इज बास्केट। इट इज़ यूज फॉर कैरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मलबेरी लीव्स। डैट्स मीन बास्केट का यूज हम इसलिए करते हैं जिसमें हम मलबेरी लीव्स जिसमें हम शहतूत की पत्तियों को उसमें कैरी करते हैं उसमें रखते हैं, एंड उसको हम वहाँ से ले जाकर जहाँ पर सिल्क मौत है उसमें हम उन मलबेरी लीव्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट एसेसरी डैट इज स्पिनिंग ट्रे। इट इज़ यूज फॉर कीपिंग कैटरपिलर एट द टाइम ऑफ स्पिनिंग कोकून। मीन्स स्पिनिंग ट्रे का यूज हम इसलिए करते हैं जिसमें हम कैटरपिलर को किप्ट करते हैं। कब किप्ट करेंगे? जब कैटरपिलर में फोर्थ मोल्टिंग हो जाती है तो हम कैटरपिलर को स्पिनिंग ट्रे में रख देते हैं, एंड तब कैटरपिलर कुकून का फॉर्मेशन करते हैं जिसको कहते हैं स्पिनिंग ट्रे में कैटरपिलर कुकून का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट
एसेसरी डैट इज चॉपिंग नाइफ। इट इज़ यूज फॉर चॉपिंग मलबेरी लीव्स इंटू स्मॉलर पीसेस। मीन्स चॉपिंग नाइफ का यूज हम इसलिए करते हैं जिसकी हेल्प से हम मलबेरी लीव्स को छोटे पीसेस में कट कर पाएँ। नेक्स्ट एसेसरी डैट इज रेफ्रिजरेटर। इट इज़ यूज फॉर स्टोरेज ऑफ एग्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन। मीन्स अगर हम सेरी कल्चर में जो सिल्क मौत है, हम चाहते नहीं कि जो सिल्क मौत का एग्स है ये तुरंत हैचिंग कर जाए एंड इससे हमें कैटरपिलर मिल जाए। तो अगर हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि जो सिल्क मौत के एग्स हैं उनमें हैचिंग हो और कैटरपिलर उससे आ जाए, तो हम इनको इन एग्स को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे जिससे कि ये जो एग हैं इनमें हैचिंग नहीं हो पाएगा। एंड जब इनमें हैचिंग नहीं हो पाएगा तो हम इन एग्स का यूज नेक्स्ट जनरेशन में करेंगे फॉर हैचिंग। नेक्स्ट एसेसरी डेट इज इनक्यूबेटर। इट इज़ यूज फॉर प्रोवाइडिंग टेम्परेचर फॉर हैचिंग एंड लार्वल डेवलपमेंट। इंक्यूबेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को मेंटेन करा जाता है एंड जिससे कि किसी चीज़ का ग्रो कराने में ईजली होता है। मीन्स एक टेम्परेचर को मेंटेन करने में इंक्यूबेटर हेल्प करता है। मीन्स अगर सिल्क मौत के एग को हैच करना है बट सराउंडिंग मीडियम में उतना टेम्परेचर नहीं है जितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है एग को हैच करने के लिए, तो इंक्यूबेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम उतना टेम्परेचर उसको एग को प्रोवाइड कराएंगे, उतना हीट प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि वो एग हैच हो पाए एंड जिससे फिर लार्वा डेवलपमेंट हो पाए। एंड जब एग हैच हो जाएगा तो उसे लार्वल डेवलपमेंट हो पाएगा। ये था इसमें सेकेंड इवेंट। मीन्स सेकेंड इवेंट क्या था? कलेक्शन ऑफ एसेसरीज रिक्वायर्ड फॉर कल्चर दीज आर। ये सभी थे इसमें सेकेंड इवेंट, डैट इज कलेक्शन ऑफ एसेसरी। एंड इसमें फर्स्ट इवेंट हमने स्टडी किया कल्टिवेशन ऑफ मलबेरी प्लांट्स। एंड इसके बाद इसमें हम स्टडी करेंगे इसमें थर्ड, डैट इज रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। मीन्स सेरी कल्चर में थर्ड इवेंट है, थर्ड स्टेप है, डैट इज रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। इस स्टेप में हम यह स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम सिल्क वॉर्म या फिर सिल्क मौत की हम उनका टेक केयर करते हैं। मीन्स उनके एग्स का, लार्वा का एंड जिसमें सिल्क मौत है हम उनका किस तरीके से टेक केयर करेंगे। हम इसमें सेरी कल्चर को या फिर सिल्क फॉर्मिंग को अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए इसमें हम पहले इसका लाइफ साइकिल या फिर लाइफ हिस्ट्री किस तरीके से होता है हम इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एंड या जो इमेज आपको दिख रहा है यह इमेज है सिल्क मौत की लाइफ साइकिल। एंड हम इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे यहाँ से पढ़ना। ये इमेज है एडल्ट मेल एंड एडल्ट फीमेल ऑफ सिल्क मौत। तो इसमें जो सेक्सेस हैं मीन्स एडल्ट मेल एंड फीमेल दोनों सेपरेट हैं एंड इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज क्लियरली अपीयर होती है। एंड जो इनमें मेल है, मेल स्मॉल साइज में होता है बट ये ज़्यादा एक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल सिल्क मौत। बट इसमें जो फीमेल है इसका साइज इनलार्ज्ड है एंड ये कम एक्टिव होती है इन कंपैरिजन टू मेल। एंड जो इनमें मेल है, मेल का जब बर्थ हो जाता है मीन्स एक घंटे के बर्थ के बाद ही ये क्या करता है, ये कॉपुलेशन करना स्टार्ट कर देता है। एंड कॉपुलेशन के समय या फिर कॉपुलेशन के बाद यह मेल मर जाता है, इसका डेथ हो जाता है। एंड इनमें कॉपुलेशन 3 से 4 घंटे तक इनमें कॉपुलेशन होती है एंड फीमेल 2 से 3 दिन तक एक को ले करती है। एंड इसके बाद जो फीमेल होती है जब एक को ले कर लेती है तो फीमेल भी मर जाती है, इसका भी डेथ हो जाता है। एंड ये था इसमें एडल्ट मेल एंड फीमेल के बारे में, इनमें किस तरीके से कॉपुलेशन होता है इसके बारे में हमने स्टडी किया। एंड इसमें हमें नेक्स्ट स्टडी करना है डेट इज एग्स। मीन्स इसमें जो एग्स है सिल्क वॉर्म का वो वाइट कलर में होता है और ये बहुत स्मॉल साइज में होते हैं। एंड जो एग्स होते हैं फीमेल ले करती है, 400 से 500 एग्स को ले करती है एंड फीमेल डाई कर जाती है एग को देने के बाद। एंड डे बाय डे ये जो एग्स होते हैं डार्कर कलर में अपीयर होने लगते हैं। ये था एग्स के बारे में। एंड इसमें हमें नेक्स्ट स्टडी करना है डैट इज लार्वा। एंड जब एक हैच हो जाएगा मीन्स लगभग 10 दिन में, मीन्स अबाउट 10 डेज में एक हैच होगा एंड उससे लार्वा बाहर आता है। एंड यहाँ पर सिल्क मौत का जो लार्वा होता है उसको हम कैटरपिलर बोलते हैं। एंड जब इनका एग हैच होगा मीन्स उससे न्यू लार्वा आएंगे मीन्स न्यू यंग लार्वा, तो उस समय बहुत स्मॉल होंगे, 5 to 7 mm लॉन्ग होंगे एंड इनमें 12 सेगमेंटेड होगा लार्वा में। एंड इनका लार्वा रफ होगा, रिंकल्ड होगा और ग्रे कलर में होंगे। एंड इनका माउथ पार्ट वेल डेवलप्ड होगा मीन्स मैंडिबुलर टाइप का होगा। एंड या वोरोसियस होते हैं लार्वा, मीन्स ये लगातार खाते रहते हैं मलबेरी के लीव्स को। एंड इनमें 5 times मोल्टिंग होती है
एंड जब इस लार्वा में 4 टाइम मोल्टिंग हो जाती है तो इस लार्वा का लेंथ हो जाता है 7.5 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी एंड 4 से 6 ग्राम इनका वेट हो जाता है। एंड यह जो इमेज है यह है मैच्योर कैटरपिलर का। इनमें जो थोरेसिक के लेग्स होते हैं ये ट्रू लेग्स होते हैं एंड एब्डोमिनल के जो लेग्स होते हैं वो स्यूडो लेग्स होते हैं। एंड इनमें स्पाइरिकल्स, डॉर्सल हॉर्न्स एंड हेड्स रीजन्स ये शो हो रही है। ये था इसका मैच्योर कैटरपिलर का इमेज। एंड मैच्योर कैटरपिलर में जब इसमें 4 टाइम मोल्डिंग हो जाती है तो इनका जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है सिल्क ग्लैंड में एंड ये तब रेडी हो जाते हैं प्यूपेशन के लिए, मीन्स ये प्यूपेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। एंड सिल्क ग्लैंड की ओपनिंग जहाँ होती है उसको बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स पर सिल्क ग्लैंड की ओपनिंग होगी जिसको बोलेंगे स्पिनरेट। एंड जब ये लार्वा मीन्स ये कैटरपिलर पूरे तरीके से डेवलप हो गया, मीन्स ये फुली ग्रोन हो गया 4th मोल्टिंग के बाद, तो ये लार्वा स्टॉप कर देता है फीडिंग। एंड यह जो सिल्क थ्रेड है सिल्क थ्रेड को अपने बॉडी पर कवर करता है, मीन्स यह जो कैटरपिलर है अपने बॉडी पर इस तरीके से सिल्क थ्रेड को कवर कर लेगा। एंड कवर करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं कुकून। एंड यह जो इमेज आपको शोन हो रही है यह इमेज है कुकून की। एंड कुकून के अंदर ही फाइनल मोल्टिंग होती है, डैट इज 5th मोल्टिंग होगी इनसाइड दी कुकून। एंड जो लार्वा होगा वो चेंज हो जाता है ब्राउन प्यूपा में जिसको बोलते हैं क्राइसेलिस, मीन्स इस कुकून के अंदर जो लार्वा है लार्वा में फाइनल मोल्टिंग होगी, मीन्स 5th मोल्टिंग होगी। एंड जो लार्वा इस कुकून में है वो चेंज हो जाता है ब्राउन कलर के प्यूपा में एंड उसको हम बोलते हैं क्राइसेलिस। एंड अगर हम कुकून को ओपन करेंगे, कुकून कट ओपन OPEN, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यह हमें ब्राउन कलर का प्यूपा शो होगा जिसको बोलें क्राइसेलिस। एंड जब इसमें प्यूपल पीरियड मीन्स कुकून के अंदर प्यूपल पीरियड लास्ट हो गया, ख़त्म हो गया, मीन्स क्राइसेलिस से ये एडल्ट वॉर्म में हो गया, एडल्ट सिल्क मॉथ हो गया इसके अंदर है, तो ये क्या करता है कि इसी कुकून के अंदर एडल्ट वॉर्म एल्कलाइन सॉल्यूशन को सिक्रीट करता है जो कि कंटेन होता है प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स। एंड प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स क्या करता है कि जो यह कुकून है, कुकून का जो थ्रेड है इसको डाइजेस्ट करेगा एंड इससे जो एडल्ट वॉर्म है मींस इसके अंदर जो एडल्ट वॉर्म है कुकून के अंदर वो बाहर आ जाते हैं। इस तरीके से इसमें जब ये बाहर आ जाएंगे तो इनका यह स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर एडल्ट मेल का एंड एडल्ट फीमेल का। एंड जो एडल्ट मेल हैं वो छोटे साइज के हैं एंड ज़्यादा एक्टिव होंगे इन कंपैरिजन टू फीमेल, बट यहाँ पर जो फीमेल हैं ये बड़ी साइज में हैं बट ये कम एक्टिव होंगी इन कंपैरिजन टू मेल। एंड लाइफ स्पैन एडल्ट मेल की बहुत कम होती है जबकि एडल्ट फीमेल की लाइफ स्पैन 2 से 3 दिन तक होती है। इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल रन होती रहती है। एंड मैंने सेरीकल्चर का लाइफ साइकिल मीन्स इनका जो लाइफ हिस्ट्री है इसको डिटेल में अच्छी तरीके से सेरीकल्चर के 1st पार्ट वीडियो में डिस्कस किया है। एंड अगर आपको इसके बारे में मीन्स इसकी लाइफ साइकिल एंड किस तरीके सिल्क फॉर्मिंग होती है तो पहले आप उसी वीडियो को देखिएगा एंड देन इस 2nd पार्ट वीडियो को आप देखिएगा, तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, मीन्स कॉन्सेप्ट तब आपको क्लियर होगा। ये था इसकी पूरी लाइफ साइकिल। 1st पॉइंट दैट इज ए कलेक्शन ऑफ सीड कुकून एंड प्रॉपर स्टोरेज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ 23 to 25 degrees Celsius करेंगे कि जो इसमें कुकून है कुकून को हम एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर इसको स्टोर करेंगे, जैसे कि 23 to 25 degrees Celsius पर हम इनको स्टोर करेंगे। नेक्स्ट डैट इज अलाउ मास इमर्जेंस ऑफ एडल्ट आफ्टर अबाउट 12 to 14 days ऑफ इंक्यूबेशन। डैट्स मीन हम जब यहाँ पर कुकून को स्टोर किए थे इस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर तो क्या होगा कि जब हमने इसको स्टोर किया था तो कुछ दिन बाद मीन्स आफ्टर सम डेज, जैसे कि 12 टू 14 डेज के बाद क्या होगा कि इसमें जो एडल्ट्स हैं मीन्स इस कुकून से एडल्ट बाहर आएंगे, मीन्स इस कुकून से जब इसको हमने कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर स्टोर किया था देन आफ्टर सम डेज यहाँ से इस कुकून से एडल्ट बाहर इमर्ज होंगे, एडल्ट बाहर इससे आउट होंगे उस कुकून से। नेक्स्ट डैट इज सी पॉइंट अलाउ क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन रेस इन अ केज एंड अ मेल इज यूज्ड ट्वाइस फॉर फर्टिलाइजिंग फीमेल। डैट्स मीन जो एडल्ट्स उस कुकून से बाहर आएंगे हम उनका क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे, केज के अंदर हम उनका क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे एंड यहाँ पर जो मेल सिल्क मॉथ है, जो फीमेल सिल्क मॉथ होंगी, मीन्स यहाँ पर जो मेल सिल्क मॉथ है वो 1 से ज़्यादा बार यहाँ पर कॉपुलेशन करेगा,
मीन्स यहाँ पर एक ही मेल सिल्क मॉथ को दो बार यूज करते हैं फीमेल को फर्टिलाइज करने के लिए। नेक्स्ट डैट इज आफ्टर कॉपुलेशन स्टार्ट्स एग लेइंग एंड डाई विद इन 24 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन। मीन्स जो मेल सिल्क मॉथ है वो तो कॉपुलेशन के समय या फिर कॉपुलेशन के बाद ही वो उसका डेथ हो जाएगा, बट इसमें जो फीमेल सिल्क मॉथ होंगी वो कॉपुलेशन के बाद जब वो एक दे देंगी मीन्स एक को ले कर देगी मीन्स अंडा दे देगी तो उसके बाद या जो सिल्क मॉथ फीमेल सिल्क मॉथ है वो भी डाई कर जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट डैट इज दी एग्स आर ट्रांसफर टू दी सॉल्ट सोल्यूशन एंड स्टोर्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस इन दी रेफ्रिजरेटर। मीन्स यहाँ पर जो एग्स हैं सिल्क मॉथ के इनको हम डिसइन्फेक्शन करेंगे, मीन्स इनको हम डिसइन्फेक्ट करेंगे, यहाँ पर इनको हम स्टरलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? सॉल्ट सॉल्यूशन में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे एंड इसके बाद इसको हम रेफ्रिजरेटर में, मीन्स अगर हमें उस समय इन एग्स का यूज नहीं है हैचिंग करने के लिए, मीन्स जो एग्स उससे आए हैं फीमेल से, फीमेल सिल्क मॉथ से, एंड अभी हमें इस समय यह रिक्वायरमेंट नहीं है कि एग हैच हो एंड हैच होने के बाद उससे यहाँ पर लार्वा का फॉर्मेशन हो, अगर हमें ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इस एग को तभी उस कंडीशन में हम इस एग को यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर कर देंगे एंड तब वह एग हैच नहीं हो पाएगा रेफ्रिजरेटर के अंदर। नेक्स्ट डैट इज नेक्स्ट पॉइंट दी एग्स अकॉर्डिंग टू नीड, बट अगर हमें एग्स का नीड हो मीन्स अगर हम यह चाहते हैं कि एग हैच हो एंड उससे लार्वा का फॉर्मेशन हो तब उसको हम एग को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालेंगे एंड इनको हम इनक्यूबेट करेंगे। डैट्स मीन दी एग्स अकॉर्डिंग टू नीड इंक्यूबेट एंड अलाउ हैचिंग इन दी रियरिंग ट्रे कंटेनिंग फ्रेश चॉप्ड लीव्स ऑफ मलबेरी। मीन्स अगर हमें ऐसा नीड है कि एक हैच हो एंड उससे लार्वा बाहर आ जाए तो हम इन एग्स को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालेंगे एंड इनको हम इंक्यूबेटर में रखकर इनको हम इंक्यूबेट करेंगे। मीन्स इनको हम यहाँ पर ऐसा टेम्परेचर देंगे जिससे कि ये थोड़ा सा हीट अप हो जाएं, मीन्स इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है फॉर हैचिंग हम वो प्रोवाइड कराएंगे एंड इसके बाद हम इन एग्स को हैचिंग करने के लिए रियरिंग ट्रे में रख देंगे। मीन्स रियरिंग ट्रे होती है बम्बू से बनी होती है एंड इनका हम यूज करते हैं जिसमें जो एग्स होते हैं इनको हम एग्स को रखेंगे एंड यहाँ पर जो रियरिंग ट्रे है रियरिंग ट्रे में हम मलबेरी लीव्स मीन्स मलबेरी के जो फ्रेश लीव्स हैं इनको हम चॉप्ड करके मीन्स इनको हम छोटे छोटे पीस में कट करके इसको हम यहाँ रियरिंग ट्रे में रखेंगे एंड रियरिंग ट्रे में एग हैच हो जाएगा मीन्स अंडा फूट जाएगा एंड उससे लार्वा बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट डैट इज दी हैच्ड कैटरपिलर स्टार्ट फीडिंग एंड व्हेन रेडी फॉर स्पिनिंग कोकून ट्रांसफर्ड टू स्पिनिंग ट्रे। मीन्स जब यहाँ पर एग हैच हुआ मीन्स यहाँ पर जब अंडा फूटा उससे कैटरपिलर बाहर आया, मीन्स यहाँ पर जो सिल्क मॉथ के जो लार्वा होते हैं उनको हम कैटरपिलर भी बोलते हैं, तो जो लार्वा बाहर आया या फिर कैटरपिलर बाहर आया वो फीडिंग स्टेज है उसका, मीन्स तब वो कैटरपिलर बहुत छोटा होगा जब वो बाहर आएगा एग से तो फीडिंग करेगा, मीन्स यह वोरोसियस ईटर होता है मीन्स ये लगातार खाता रहता है, मीन्स या कॉन्टीन्यूसली मलबेरी लीव्स को ईट करेगा एंड जब इनमें 4th मोल्टिंग हो जाती है मीन्स इनमें जब 4 बार मोल्टिंग हो जाती है तो तब इनका जो सलेबरी ग्लैंड है कैटरपिलर का मीन्स लार्वा का जो सलेबरी ग्लैंड है ये मॉडिफाइड हो जाता है सिल्क ग्लैंड में, तब यह कुछ खाता नहीं है 4th मोल्टिंग के बाद एंड तब इनको हम स्पिनिंग ट्रे में रख देते हैं क्योंकि यह 4th मोल्टिंग के बाद जब इनका सलेबरी ग्लैंड मॉडिफाइड हो गया सिल्क ग्लैंड में तो या अब स्पिनिंग करेगा कुकून को, मीन्स तब या क्या करेगा अपने हेड को मीन्स जो कैटरपिलर है अपने हेड को figure 8 मीन्स जो 8 नंबर होता है अपने हेड को ऐसे 8 नंबर मीन्स जो 8 फिगर होता है उसकी तरह अपने हेड को मूव करेगा एंड तब या कुकून का फॉर्मेशन करेगा, मीन्स यहाँ पर तब ये स्टेकी फ्लूड को सिक्रीट करेगा एंड तब हुआ स्टेकी फ्लूड या फिर पेस्ट्री सिक्रीशन जब वो एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो हार्ड हो जाएगा एंड इसके बाद स्ट्रॉन्ग सिल्क थ्रेड का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको बोलते हैं कुकून एंड यहाँ पर हम स्पिनिंग ट्रे का यूज करते हैं फॉर स्पिनिंग कुकून। 4th मोल्टिंग के बाद इनको हम स्पिनिंग ट्रे में रख देंगे जहाँ पर ये कुकून को स्पिन करेंगे एंड ये सभी पॉइंट थे रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म के, मीन्स ये 3rd इवेंट था मीन्स 3rd स्टेप था रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म जिनमें हमने ये सभी पॉइंट स्टडी किया। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म के बाद इसमें अब हम इसमें स्टडी करेंगे 4th इवेंट
या फिर फोर्थ स्टेप डैट इज स्पिनिंग ऑफ कुकून, किस तरीके से यहाँ पर कुकून का फॉर्मेशन हो रहा है, उनका किस तरीके से स्पिनिंग हो रही है। दी फुली ग्रोन फिफ्थ इंस्टार आफ्टर फोर मॉल्स लार्वी स्टॉप फीडिंग एंड सेटल टू दी कॉर्नर एलोंग मलबेरी लीव्स एंड स्टार्ट कुकून फॉर्मेशन विच कम्प्लीटेड विद इन 3 डेज। मीन्स यहाँ पर यह है कि जब उस लार्वा में मीन्स कैटरपिलर में जब फोर्थ मॉल्टिंग हो जाता है, जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं फिफ्थ इंस्टार। मीन्स जब पूरी तरीके से ग्रोन लार्वा है एंड तब यह लार्वा स्टॉप कर देता है फीडिंग, मीन्स तब यह लार्वा कुछ खाता नहीं है, स्टॉप कर देता है खाना। एंड इसके बाद यह एक कॉर्नर पर मीन्स मलबेरी लीव्स का जो एक कॉर्नर है वहाँ पर अपने आप को सेट कर लेगा, वहाँ पर यह अपने आप को सेटल कर लेता है। एंड सेटलमेंट होने के बाद यह कुकून का फॉर्मेशन करेगा। मींस जैसे कि मैंने बताया था, इसका सैलेबरी ग्लैंड मॉडिफाइड हो जाता है फोर्थ मॉल्टिंग के बाद एंड मॉडिफाइड होकर सिल्क ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। एंड यह पेस्ट सिक्रीशन मींस स्टिकी फ्लूड को सिक्रीट आउट करता है। फिगर 8 मींस यह फिगर 8 है, इसकी तरह यह अपने हेड को रिमूव करता रहता है एंड जिससे कि वह स्टिकी फ्लूड एंड या फिर पेस्ट सिक्रीशन बाहर आता है। एंड जब वह एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो वह हार्ड हो जाता है एंड वह सिल्क थ्रेड का फॉर्मेशन कर लेता है। एंड या जो प्रोसेस है स्पिनिंग ऑफ कुकून मींस कुकून का फॉर्मेशन होना कंप्लीट होगा विद इन 3 डेज। 3 डेज में यहाँ पर कुकून पूरी तरीके से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट इवेंट स्पिनिंग ऑफ कुकून के बाद इसमें नेक्स्ट इवेंट है या फिर नेक्स्ट स्टेप है, डैट इज पोस्ट कुकून प्रोसेसिंग। मींस जब यहाँ पर कुकून का फॉर्मेशन हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट वीडियो में इसका सेरिकल्चर का जो फर्स्ट पार्ट वीडियो था, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें कि अगर कुकून में यहाँ पर कुकून में प्यूपेशन हो गया एंड तब वो क्राइसैलिस एडल्ट सिल्क मॉथ बन गया, एडल्ट सिल्क मॉथ बन गया तो उसकी बॉडी से एडल्ट सिल्क मॉथ की बॉडी से प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स सिक्रीट होता है, तो जो कुकून है या फिर ट्रेड है उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है। एंड उसके बाद से जो कुकून के अंदर कैटरपिलर उसमें कवर्ड होकर एडजस्ट किया है अपने आप को, तो वह कुकून का जो ट्रेड है उसको वो डाइजेस्ट करके बाहर आ जाता है। एंड जब उससे कुकून से सिल्क मॉथ एडल्ट सिल्क मॉथ बाहर आ जाएगा तो हमें उससे सिल्क नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो कुकून का जो सिल्क है उसका जो ट्रेड है उसको डाइजेस्ट कर लेगा। एंड अगर हमें यहाँ पर सिल्क चाहिए, सेरिकल्चर में यही एक इसका बिजनेस है कि यही कल्चर है कि यहाँ पर हम सिल्क पाने के लिए सिल्क मॉथ को मैनेज तरीके से मीन्स साइंटिफिक तरीके से उनकी हम रियरिंग करते हैं फॉर सिल्क, सिर्फ सिल्क के लिए। तो अगर हमें यहाँ पर सिल्क चाहिए तो उसमें हम क्या करते हैं कि सेरिकल्चर की प्रैक्टिस में जो कुकून के अंदर एडल्ट सिल्क वॉर्म बनने से पहले ही हम क्या करते हैं कि उस कुकून को हम क्या करते हैं बॉयल वाटर में या फिर उसको हम स्टीम में उसको हम इंसर्ट कर देंगे, रख देंगे एंड उसके अंदर कुकून के अंदर जो क्राइसैलिस है वो डेथ हो जाता है, मींस उसका किल हो जाता है। मींस पोस्ट कुकून प्रोसेसिंग द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम कुकून इज नोन एज पोस्ट कुकून प्रोसेसिंग। डैट्स मीन कुकून से सिल्क थ्रेड ऑब्टेन करने का जो मेथड है, मींस कुकून से अगर हमें सिल्क थ्रेड चाहिए उसके लिए जो मेथड है या फिर जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं पोस्ट कुकून प्रोसेसिंग। इट इंक्लूड्स 2 स्टेप, इसमें 2 स्टेप्स इंक्लूड हैं। फर्स्ट है इसमें स्टिफलिंग। इन दिस स्टेप क्राइसैलिस या फिर जिसको बोलेंगे प्यूपा इज किल्ड इनसाइड द कुकून बाय बॉइलिंग इन वाटर और ट्रेडिंग इन ओवन। डैट्स मीन यहाँ पर स्टिफलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो इसमें कुकून के अंदर क्राइसैलिस या फिर प्यूपा उसके अंदर जो है कुकून के अंदर उसको यहाँ पर किल करते हैं। कैसे करते हैं, इस कुकून को कुकून के अंदर जो क्राइसैलिस प्यूपा हैं इनको बॉयल कर देते हैं वाटर में या फिर इनको ओवन में ट्रीट करेंगे। ओवन में ट्रीट करेंगे तो ये किल हो जाएंगे, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो एक किल हो जाएंगे इससे। तो इसमें स्टिफलिंग में यह प्रोसेस है कि कुकून के अंदर जो क्राइसैलिस प्यूपा हैं इनको किल कर लेते हैं। पोस्ट कुकून प्रोसेसिंग में हमने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप स्टडी किया, डैट इज स्टिफलिंग। एंड अभी हम इसमें सेकेंड स्टेप स्टडी करेंगे जिसको बोलते हैं रीलिंग आफ्टर बॉयलिंग या फिर ट्रेटिंग इन ओवन। मीन्स यहाँ पर रीलिंग स्टेप में क्या कर रहे हैं कि बॉयलिंग करने के बाद या फिर उनको हम ओवन में ट्रीट कर उनको हम किल कर दिए उस क्राइसैलिस प्यूपा को जो कुकून के अंदर था, तो क्या होगा कि आफ्टर बॉयलिंग या फिर ट्रेटिंग इन ओवन गमी सब्सटेंसेस ऑफ कुकून गेट डिजॉल्व्ड एंड सिल्क फाइबर्स गेट फ्री।
मीन्स यहाँ पर जब हमने बॉइलिंग कर लिया या फिर ओवन में इनको हम ट्रीट कर लिए, तो उसके बाद जो कुकून में जो गमी सब्सटेंसेस है, मीन्स जो कुकून को यहाँ पर एकदम स्टक किया था, मीन्स कुकून को एकदम सर्कुलर में या फिर उनका जो ओवल शेप है उसमें स्टक किया था जो गमी सब्सटेंसेस, यहाँ पर गमी सब्सटेंसेस तब यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएगा एंड जो कुकून का जो सिल्क फाइबर है वो फ्री हो जाएगा। 4 to 5 प्री एंड ऑब थ्रेड्स आर ज्वाइंट एंड ट्विस्टेड टू मेक अ थ्रेड एंड जो कुकून यहाँ पर डिसॉल्व हो गया उसमें जो उसका 4 या फिर 5 जो फ्री एंड डेड थ्रेड का उसको यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे एंड उसके बाद इसको यहाँ पर ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद उसको थ्रेड की तरह उसको मेक करेंगे। इट इज वाइंडिंग अराउंड अ लार्ज व्हील एंड कॉल्ड रील्ड सिल्क एंड उसके बाद मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर बॉइलिंग वाटर में या फिर ओवन में जब उनको कुकून को इसमें रखें तो जो कुकून में गमी सब्सटेंसेस होता है जो कुकून के थ्रेड को एकदम आपस में जोड़े रखता है, तो वहाँ पर उस बॉइलिंग वाटर में या फिर ओवन में वो डिसॉल्व हो जाता है एंड सिल्क जो फाइबर होता है एंड सिल्क का जो फाइबर होगा वो फ्री हो जाएगा एंड इसके बाद इसका जो 4 से 5 फ्री एंड लेंगे थ्रेड का एंड उनको ज्वाइंट कर लेंगे एंड ज्वाइंट करने के बाद उसको ट्विस्ट करेंगे एंड उसको थ्रेड बनाने लगेंगे एंड उसके बाद इसको यहाँ पर एक व्हील होता है, एक बड़ा सा व्हील होगा, एक बड़े से व्हील पर इनको यहाँ पर इस थ्रेड को ऐसे वाइंड करेंगे, मीन्स जैसे कि चक्री होता है उसको वाइंड करते रहेंगे जिसको बोलेंगे रील्ड सिल्क। मीन्स यहाँ पर जब उस थ्रेड को वाइंड कर लिए लार्ज व्हील पर जिसको बोले रील्ड सिल्क, फ्रॉम दी कुकून वेस्ट सिल्क थ्रेड्स आर सेपरेटेड टीज्ड एंड देन फिलामेंट्स आर स्पन। मीन्स यहाँ पर क्या है कि कुकून की प्रोसेसिंग जब हो रही है तो यहाँ पर ऐसा भी है कि कुछ कुकून ऐसे होंगे जो वेस्ट होंगे, मीन्स वह कुकून का जो सिल्क थ्रेड है वो वेस्ट है, तो यहाँ पर उसको सेपरेट करते हैं एंड टेस्ट करेंगे, मीन्स उसको कटआउट करेंगे एंड इस फिलामेंट्स को बोलेंगे स्पन, देन फिलामेंट्स आर स्पन। दिस स्पन्ड सिल्क इज कॉल्ड स्पन सिल्क, मीन्स स्पन सिल्क मीन्स इट इज़ मेड फ्रॉम ब्रोकन कुकून्स, मीन्स जो कुकून का जो थ्रेड है वो वेस्ट है उसको यहाँ पर सेपरेट किए, उसको टेस्ट किए, उसको कटआउट किए उस वेस्ट सिल्क को एंड उसके बाद उस फिलामेंट को यहाँ पर स्पन करेंगे, उसको ज्वाइंट करेंगे एंड जिसको बोले स्पन सिल्क। स्पन सिल्क इज द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ सिल्क रीलिंग इंडस्ट्री एंड यहाँ पर सिल्क रीलिंग इंडस्ट्री में स्पन सिल्क जो कि वेस्ट सिल्क होता है, वेस्ट कुकून से बनता है, ये भी यहाँ पर स्पन सिल्क भी सिल्क रीलिंग इंडस्ट्री का एक बाई प्रोडक्ट है। मीन्स यहाँ पर सेरीकल्चर में जो रील्ड सिल्क है वो बेस्ट है एंड जो स्पन सिल्क है वह वेस्ट कुकून से इसका फॉर्मेशन हुआ है, मीन्स यह सिल्क रीलिंग इंडस्ट्री का एक बाई प्रोडक्ट है स्पन सिल्क। एंड हमने अभी तक इस वीडियो में जितना भी स्टडी किया ये था, हमने यहाँ पर यहाँ तक स्टडी कर लिया सेरीकल्चर की किस तरीके से प्रैक्टिस होती है, मीन्स किस तरीके से सिल्क फॉर्मिंग होती है, मीन्स किस तरीके से यहाँ पर सिल्क को बनाते हैं, ये था इसमें पूरा इसका डिटेल स्टडी। मीन्स हमने इसमें यहाँ से स्टडी किया कि सेरीकल्चर की किस तरीके से प्रैक्टिस होती है। फर्स्ट इवेंट था कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी प्लांट्स, सेकंड कलेक्शन ऑफ एसेसरीज रिक्वायर्ड फॉर कल्चर एंड ये भी इसमें पॉइंट थे इसके कुछ, एंड थर्ड डेट इज रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, किस तरीके से सिल्क वॉर्म का टेक केयर करते हैं, एंड फोर्थ डेट इज स्पिनिंग ऑफ कुकून एंड फिफ्थ पोस्ट कुकून प्रोसेसिंग। एंड हमने इसमें यहाँ तक स्टडी कर लिया कि किस तरीके से सेरीकल्चर की प्रैक्टिस होती है एंड अभी हम इसमें यह स्टडी करेंगे कि स्टेटस ऑफ सेरीकल्चर इन इंडिया, मीन्स हमारे भारत देश में सेरीकल्चर की क्या स्टेटस है, मीन्स इसमें हमारे इंडिया में सेरीकल्चर से क्या क्या इससे कितना इसमें ग्रोथ हुआ है। प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क इन इंडिया वाज 23,679 मेट्रिक टन इन 2012-13 ऑफ विच मलबेरी सिल्क इज़ मेनली ऑब्टेंड फ्रॉम कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर। मीन्स 2012-13 में यहाँ पर हमारे इंडिया में रॉ सिल्क का प्रोडक्शन हुआ था 23,679 मेट्रिक टन। ये जो मेट्रिक टन यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था वो थे मलबेरी सिल्क के एंड मलबेरी सिल्क का जो कि ऑब्टेंड हुआ था हमारे इंडिया में कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से, तमिलनाडु से एंड जम्मू एंड कश्मीर से। इंडिया इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन दी वर्ल्ड, हैज़ 15.49% शेयर इन ग्लोबल रॉ सिल्क प्रोडक्शन।
मीन्स यहाँ पर जो हमारा इंडिया है, इंडिया पूरा वर्ल्ड में मीन्स इंडिया पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जो कि सिल्क को प्रोड्यूस करता है एंड 15.49 शेयर किया है ग्लोबल रॉ सिल्क प्रोडक्शन। दी इंडियन सिल्क गुड्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड टू दी ट्रेडिशनल मेजर मार्केट्स ऑफ USA, यूरोप एंड स्मॉल मार्केट्स ऑफ एशिया। मीन्स यहाँ पर गुड्स मीन है मटेरियल्स, मीन्स सामान या फिर वस्तु। मीन्स हमारे इंडिया का जो सिल्क है, मीन्स इसका जो मटेरियल है, इसको एक्सपोर्ट किया गया है जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केट में USA में, यूरोप में एंड स्मॉल मार्केट्स ऑफ एशिया। एशिया के कुछ छोटे मार्केट जहाँ पर यहाँ पर ट्रेडिशनल सिल्क इंडिया से एक्सपोर्ट हुए हैं। दी अर्निंग फ्रॉम सिल्क गुड्स एक्सपोर्ट इज़ इंक्रीज्ड बाई 16.5% ड्यूरिंग 2008-09 ओवर प्रीवियस ईयर। मीन्स यहाँ पर सिल्क के मटेरियल से, सिल्क गुड्स मीन्स सिल्क के मटेरियल से यहाँ पर अर्निंग हुई है। जो यहाँ पर एक्सपोर्ट होता था उससे यहाँ पर अर्निंग होती थी, बहुत इंक्रीज्ड हुई है। 2008-09 में थी 16.5% एंड जो कि प्रीवियस ईयर मीन्स पहले के साल से यहाँ पर एक्सपोर्ट इंक्रीज्ड हुआ है। एंड दी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन दी कंट्री इज रेज्ड टू 7.65 million persons in 2012-13 as compared to 7.56 million person in 2011-12। मीन्स यहाँ पर क्या है कि सेरीकल्चर एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन है, मीन्स ऐसे पर्सन जिनके पास कोई काम नहीं, मीन्स वो अभी तक बेरोजगार थे, बट जब उनको सेरीकल्चर करने लगे, मीन्स वह सेरीकल्चर की प्रैक्टिस में आ गए, तो उनको भी एक वर्क मिला, उनको भी एक काम मिला एंड उससे उनको बहुत प्रॉफिट भी मिला। मीन्स यहाँ पर यह है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन थी हमारी कंट्री की, वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में आई एंड उनको भी वर्क मिला। 7.65 million पर्सन थे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में 2012-13 में। एंड यहाँ पर जो 2011-12 था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काउंट था 7.56 million पर्सन, बट 2012-13 में मीन्स इंक्रीज्ड हुआ 7.65 million पर्सन में ये रेस्ट हो गया। ये था इसमें स्टेटस ऑफ सेरीकल्चर इन इंडिया। मीन्स इसमें हमें यह नॉलेज हो रहा है कि हमारे इंडिया में पहले सिल्क का प्रोडक्शन बहुत कम होता था एंड बाद में जब बहुत नॉलेज हुआ, मीन्स जो अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन थे जब उनको नॉलेज हुआ कि हमें इससे इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो भी लोग क्या करने लगे, सेरीकल्चर की प्रैक्टिस में आए एंड इंडिया का ऐसे धीरे धीरे मीन्स बहुत समय समय तक यहाँ पर सेरीकल्चर का जो प्रैक्टिस है वो इंक्रीज्ड हुआ। एंड हमारे वर्ल्ड में जो इंडिया का पोजीशन है, इंडिया सेकेंड पोजीशन पर है, जिससे कि बहुत सारे अमाउंट में सिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है एंड इससे बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन को भी बहुत सारा वर्क हुआ, वो भी एम्प्लॉयमेंट में आए। एंड इस तरीके से सेरीकल्चर भी बहुत यूजफुल है एंड समय समय पर यहाँ पर सेरीकल्चर की प्रैक्टिस इंडिया में बहुत इंक्रीज्ड भी हो रही है। ये था इसमें स्टेटस ऑफ सेरीकल्चर इन इंडिया। स्टेटस ऑफ सेरीकल्चर इन इंडिया के बाद इसमें हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है, डैट इज कॉमन डिजीजेस ऑफ सिल्क मॉथ। मीन्स सेरीकल्चर में अभी हमारा लास्ट टॉपिक है कॉमन डिजीजेस ऑफ सिल्क मॉथ। एंड मीन्स सिल्क मॉथ में या फिर सिल्क वार में बहुत सारी ऐसी कॉमन डिजीजेस होती हैं जिसका हमें टेक केयर करना चाहिए अपने सिल्क मॉथ का, जिससे कि वो सभी इन डिजीज से इन्फेक्ट ना हो पाएँ। दी सिल्क मॉथ मे सफ़र फ्रॉम पेब्रिन, मस्काडाइन, फ्लैचरी, सोटो, एक्सेट्रा डिजीजेस। मीन्स ये सभी कॉमन डिजीजेस हैं जो कि सिल्क मॉथ को होती हैं। तो इसमें ये फर्स्ट है इम्पॉर्टेंट, डेट इज पेब्रिन डिजीजेस। एंड कभी कभी ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ये आ जाते हैं, जैसे कि पेब्रिन या फिर फ्लैचरी, जो कि इसमें इम्पॉर्टेंट है। पेब्रिन डिजीज, दी पेब्रिन इज कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरिडियन फंजाई, नोजिमा, बम्बाइसिस एंड कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो ग्रोथ, पेल कलर, फ्लैसिड बॉडी एंड डार्क स्पॉट्स ओवर इंट्यूगमेंट ऑफ लार्वी। इन सीवियर इन्फेक्शन इट किल्स 100% लार्वी ऑफ सिल्क वॉर्म। डैट्स मीन पेब्रिन डिजीज एक ऐसा डिजीज है जो कि फंजाई से कॉज होता है, माइक्रोस्पोरिडियन फंजाई से, एंड उस फंजाई का नेम है नोजिमा बम्बाइसिस एंड इसका यह कैरेक्टर है, मीन्स अगर
या इन्फेक्शन हुआ सिल्क मॉथ को, इसमें सिल्क मॉथ में ये सभी करेक्टर डेवलप हो जाएंगे, जैसे कि उनकी बॉडी का जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो जाएगा एंड पेल कलर उनकी बॉडी येलो कलर में अपीयर होगी, मींस पीले कलर में। एंड इसके बाद उनकी बॉडी है फ्लैसिड हो जाएगी, फ्लैसिड मींस इनकी बॉडी बहुत लूज हो जाएगी। एंड इनके इंटीग्यूमेंट पे मींस जो लार्वी का जो इंटीग्यूमेंट है उस पर डार्क कलर के स्पॉट्स आ जाएंगे। एंड जब यह इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगा, मींस बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा, तो जो लार्वी हैं सिल्क वॉर्म के ये किल हो जाएंगी। ये था पेब्रिन डिजीज़ के बारे में। नेक्स्ट डिजीज़ डैट इज मस्काडाइन डिजीज़। दी मस्काडाइन इज कॉज्ड बाय फंगस ब्यूब एरिया बैसियाना एंड करेक्टराइज्ड बाय सॉफ्ट बॉडी गेट हार्डेंड एंड ग्रीन आफ्टर डेट। मींस मस्काडाइन डिजीज़ कॉज्ड होता है फंगस से एंड उस फंगस का नेम है ब्यूबरिया बैसियाना। एंड जब यह इन्फेक्शन हो जाता है तो जो ये सिल्क मॉथ की जो बॉडी है सॉफ्ट बॉडी है ये कन्वर्ट हो जाती है, हार्ड हो जाती है, मींस कठोर हो जाती है। एंड जब इनका डेथ हो जाता है तो ये ग्रीन कलर में अपीयर होती है। ये था मस्काडाइन डिजीज़। नेक्स्ट डिजीज़ डेट इज फ्लैचरी। फ्लैचरी भी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। दी फ्लैचरी इज कॉज्ड बाई बैक्टीरियम, मीन्स यह एक ऐसा डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया से कॉज होता है एंड उस बैक्टीरिया का नेम है डेट इज बैसिलस बम्बाई सेप्टिकस एंड विच इन्फेक्ट्स फोर्थ इंस्टार लार्वा एंड करेक्टराइज्ड बाई डेथ ऑफ लार्वा बाई हैम्पर डाइजेशन। मीन्स फ्लैचरी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि बैसिलस बम्बाई सेप्टिकस से कॉज होता है। किसमें कॉज होता है? जो इसका कैटरपिलर है मीन्स सिल्क मॉथ का जो लार्वा है, लार्वा में जब थर्ड टाइम मोल्डिंग हो जाती है तो बोलते हैं उसको फोर्थ इंस्टार उसको। एंड इसमें क्या होता है कि फोर्थ इंस्टार लार्वा में इसका जो करैक्टर होता है कि इस लार्वे में जो डाइजेशन है डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड जब लार्वे में इसका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है मीन्स हैम्पर्ड हो जाता है एंड इससे लार्वा का डेथ हो जाता है। ये था फ्लैचरी के बारे में जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये भी अक्सर एग्जाम में वेरियस और टाइप क्वेश्चन में आते हैं, जैसे कि पेब्रिन डिजीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिजीज़ डैट इज सोटो। एंड दी सोटो इज कॉज्ड बाई बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंजियंसिस एंड कॉज डेथ ऑफ इन्फेक्टेड लार्वी बाई अफेक्टिंग नर्वस सिस्टम ऑफ लार्वा वाया टॉक्सिन। मीन्स सोटो एक ऐसा डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया से कॉज होता है एंड इस बैक्टीरिया का नेम है बैसिलस थुरिंजियंसिस। एंड इसमें क्या होता है कि जो बैसिलस थुरिंजियंसिस बैक्टीरिया है, यह बैक्टीरिया ये जो टॉक्सिन सिक्रेट करता है एंड टॉक्सिन सिक्रेट होता है तो जो ये सिल्क मॉथ का जो लार्वा है, लार्वा का जो नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट होता है एंड जिससे कि यह सिल्क मॉथ का डेथ हो जाता है। यह था सोटो डिजीज़ के बारे में। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट डिजीज़ डेट इज ग्रेसियरी एंड इट इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस। मींस यह ग्रेसियरी डिजीज़ है एंड यह वायरस से कॉज्ड होता है। तो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया सेरीकल्चर या फिर जिसको बोलते हैं सिल्क फार्मिंग, इसको डिटेल में स्टडी किया एंड इसके बाद स्टेटस ऑफ सेरीकल्चर इन इंडिया एंड कॉमन डिजीजेस ऑफ सिल्क मॉथ एंड सिल्क मॉथ से क्या क्या बीमारियाँ होती हैं कॉमन, हमने इसको डिस्कस किया। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लैग कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड सर्किल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।